आइए दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में। आज मैं आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से आगे बढ़कर कोनिक सेक्शंस किसे कहते हैं ये समझाऊंगा। आप सभी लोगों ने आइसक्रीम तो बहुत खाई होगी। आइसक्रीम का जो कोन है जिसमें आइसक्रीम भरी जाती है, वही यह कोन है। अब इस कोन को यदि अलग अलग स्थानों से किसी सेक्शन प्लेन की सहायता से या इंटरसेक्शन प्लेन की सहायता से काटा जाए, तो जो कर्व हमें प्राप्त होंगे उन्हें कोनिक सेक्शंस कहते हैं। अब कैसे काटा जाता है यह इस पर विचार करते हैं। यदि एक सेक्शन प्लेन, इसे इस प्रकार काटे, प्लेन का अर्थ होता है एक समतल। ये देखिए, ये कार्डबोर्ड का पीस है, यह प्लेन इसे काट रहा है इस प्रकार। जब इस प्रकार से इस कोन को काटा जाएगा, इस प्रकार से जब हम काटेंगे तो यह जो गोलाई वाला हिस्सा है वह कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो इसे हम कहेंगे इलिप्स। अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है मन में कि जब इसे इस प्रकार काटा जा सकता है तो और भी तो कई तरीके होंगे काटने के। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम देखते हैं कि जो पहले हमने काटा उसमें यह जो हमारी लाइन थी जिसे हम एक्सिस कहते हैं, कोन का एक्सिस, तो इसे हम यहां मार्क करते हैं एक्सिस। अब हम इसको, यदि यह जो कोन का सरफेस है इसके पैरेलल यदि काटें इस प्रकार और इस एक्सिस के दोनों ही तरफ काटें, तो भी हमें एक सेक्शन प्राप्त होगा। उस सेक्शन को ये देखिए, यह इस प्रकार काटा है। अब मैं इसे आपको बनाकर दर्शाता हूं। यह देखिए, यह इसके एक कटिंग प्लेन को मैं इसके पैरेलल बना देता हूं। जो हमारा यह जनरेटर है, यह जनरेटिंग लाइन से इस कोन की, ये कोन इस प्रकार होता है, तो यह जनरेटिंग लाइन से कोन की। तो अब जो हमें सेक्शन प्राप्त होगा वह कुछ, अच्छा इसमें एक चीज और समझें, कोन के सबसे नीचे का जो हिस्सा है वह क्या है मित्रों, यह एक सर्कल है। तो जब हम इस एक्सिस को काटेंगे तो यह देखिए, यह हमें जो सेक्शन प्राप्त होगा वह कुछ इस प्रकार का होगा। अब मैं इसे, यह समझिए, यह हमारा इलिप्स था, यह जो आकृति या सेक्शन हमें प्राप्त होता है इसे क्या कहेंगे मित्रों, इसे हम कहेंगे पैराबोला।
पैराबोला को हिंदी में कहते हैं परवलय और इलिप्स को दीर्घ वृत्त। यह पर वलय। अब इन दो सेक्शंस के बाद एक तीसरी अवस्था ऐसी हो सकती है जब हम इस एक्सिस के इस तरफ ही सेक्शन प्लेन जो है वो कटिंग करें। तो यह कैसे हो सकता है, ये देखिए, अब हम इसको इस प्रकार कटिंग कर रहे हैं। यह हमारा सेक्शन प्लेन है। यह सेक्शन प्लेन यदि इस तरह से काटेगा तो जो आकृति हमें प्राप्त होगी, सेक्शन जो हमें प्राप्त होगा, उसे हम कहेंगे हाइपरबोला। तो यह तीसरा सेक्शन जिसे हम अति परवलय भी कहते हैं। जब भी हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इन चीजों को मेंशन करने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसकी परिभाषा दें जिससे हम इसका निर्माण कर सके, रचना कर सके। कॉनिक सेक्शंस के साथ साथ अब एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं। यह जो बेस पर बनता है कोन के, यह सर्कल है। अतः यदि कोई कटिंग प्लेन इस बेस के पैरेलल चलेगा और इस सेक्शन को काटेगा, इस कोन को इस प्रकार काटेगा, इस प्रकार काटने पर जो सेक्शन हमें प्राप्त होगा वह होगा सर्किल। तो यह हमें प्राप्त होगा सर्कल अर्थात वृत्त। तो मित्रों, अब हम शंकव काट की परिभाषा को समझते हैं। शंकव एक बिंदु का लोकस है जो समतल देखिए, जिसमें एक्स और वाई दो एक्सिस होते हैं। यह एक्सिस है हमारा वाई, यह एक्सिस है एक्स और यह एक्सिस है वाई। इस टेबल का तल, आंगन, यह सब समतल कहलाते हैं। तो समतल पर किसी एक बिंदु का पथ, जैसे मान लीजिए कि यह एक बिंदु है पी। अब एक नियत बिंदु, दो फोकस बिंदु है, फोकस को हिंदी में बोलेंगे नाभि, यह F1, यह F2। फोकस हम कहेंगे नाभि को। यह रेखा हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहलाएगी, जिसे नियता हिंदी में कहा जाता है। अब इस फोकस से इस बिंदु की दूरी यह है और नियता रेखा से परपेंडिकुलर डालने पर इसकी दूरी, यदि इसे बिंदु M कहा जाए तो MP है। इसी दूरियों के अनुपात के संदर्भ में सदैव दीर्घवृत्त, परवलय और अति परवलय को परिभाषित किया जाएगा। तो किस प्रकार परिभाषित किया जाएगा, उसके लिए एक शब्द है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी को हिंदी में कहते हैं उत्केंद्रता। अब यदि नाभि से बिंदु की दूरी, इस केस में पी एफ वन, डिवाइडेड बाई पी एम,
नियता से इस बिंदु की दूरी, इसे एक्सेंट्रिसिटी कहा जाएगा। तो एक्सेंट्रिसिटी इलिप्स में जो दीर्घवृत्त बनता है इसमें एक से कम होती है, पैराबोला में एक के बराबर होती है और हाइपरबोला में बड़ी होती है। याद रखने के लिए सुविधा है, इसे दिमाग में रखें, सबसे पहले इलिप्स, फिर पैराबोला, फिर यह हाइपरबोला बनता है और जैसे जैसे हम डायरेक्ट्रिक्स के पास जाते हैं ये एक्सेंट्रिसिटी बढ़ती जाती है। तो यह हाइपरबोला जो है यह इस प्रकार फैला हुआ है तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी एक से भी ज्यादा है। गणित में जब भी बात करते हैं तो बिना समीकरण के कोई बात नहीं होती। तो इसी चित्र पर मैं आपको इनकी समीकरण भी लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। पैराबोला के केस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स तथा हाइपरबोला के केस में यह समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब देखिए मित्रों, आप कहीं ये सोचते होंगे कि एक ही पेज पर इतना सारा कंटेंट क्यों दिया है, तो इसे हम मेमोरी मैप कह सकते हैं जहां पर हम यह सारा कंटेंट इस प्रकार एक पेज पर एक टॉपिक से संबंधित सारे बिंदुओं को इस प्रकार दर्शाते हैं जिससे जब भी हमें इन्हें वापस रिकॉल करना हो तो हमें सुविधा रहे। तो आप अगर इस प्रकार का चार्ट अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बनाएंगे तो यह यूजफुल होगा। तो यह मैंने कॉनिक सेक्शंस को समझाया है। अब हम आगे के वीडियोस में इलिप्स अर्थात दीर्घवृत्त को बनाने के और तरीके, पैराबोला को बनाने के तरीके और हाइपरबोला की भी रचना करने के भिन्न भिन्न तरीकों को समझेंगे और उनका डेमोंस्ट्रेशन करेंगे। तो मित्रों, यह हमारा कॉनिक सेक्शंस की समरी है, इसे आप बनाएं, याद रखें और उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम इलिप्स बनाएंगे और उसके लिए अलग अलग विधियां काम लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।